मैंने कल यूट्यूब पे हेयर स्टाइल देखा है। मैंने तो पार्टी पे वही बनाना है कल। देखा कितनी प्यारी लगूंगी मैं, छा जाऊंगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी हेयर स्टाइल हम किसी मूवी में देखते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, या कहीं भी किसी शादी में देखते हैं, या किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं, वैसे न्यूज़पेपर का दौर तो पुराना हो चुका है। सोशल मीडिया पे आप कहीं भी कोई हेयर स्टाइल देखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमने वो हेयर स्टाइल बनाना है, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उसे ट्राई करते हैं तो वो हेयर स्टाइल आपसे बन तो जाता है, लेकिन उस तरह से नीटनेस नहीं आ रही होती। इसलिए कि आपने वो हेयर स्टाइल तो देख लिया कि कैसे बनता है, लेकिन उसके पीछे जो इतनी सारी मेहनत है, 50% जो प्रिकॉशंस उन्होंने ली हैं वो आपने नहीं ली। क्योंकि ऐसा ही मैं भी करती थी, तो मेरे ख्याल से मेरी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं इस दुनिया में जो बिगनर्स हैं, उनको इतना नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। हेयर स्टाइलिंग के बारे में आपको मैं ए टू जी गाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है हेयर स्टाइलिंग में प्रेप का, हेयर प्रिपरेशन का। दूसरा स्टेप होता है हेयर शेपिंग का, आपने बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है वो हेयर शेपिंग में आएगा। और थर्ड स्टेप है फिनिश। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ हेयर प्रेप की प्रोडक्ट्स डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में हेयर शेप की, और थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ फिनिश हेयर स्टाइलिंग यानी कि फाइनल लुक की प्रोडक्ट शेयर करूंगी। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी कि इसको आप प्री स्टाइलिंग, ड्यूरिंग स्टाइलिंग और आफ्टर स्टाइलिंग भी बोल सकते हैं। तो स्टेप नंबर वन है हेयर प्रेप का, यानी कि हेयर की प्रिपरेशन। इसको आप प्री स्टाइलिंग भी बोलते हैं। प्री स्टाइलिंग इसलिए बोलते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, और स्टाइलिंग का मतलब कोई भी हेयर स्टाइल जो आप बालों में बना रहे हैं। तो प्री स्टाइलिंग का मतलब हुआ कि स्टाइलिंग से पहले आपने जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो प्री स्टाइलिंग में आएंगी। और प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप हेयर स्टाइल बनाने से पहले लगाते हैं। तो अब चलते हैं हेयर प्रेप के स्टेप नंबर वन की तरफ। तो स्टेप नंबर वन है हेयर वॉश का। हेयर वॉश आप सबको ही पता होगा कि क्यों जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प में से डर्ट, गंदगी, आलूदगी, जो भी ग्रीजीनेस ऑयल वगैरह हमने बालों में लगाए होते हैं उसे वो रिमूव हो जाते हैं। किसी भी हेयर स्टाइलिंग से पहले हेयर को वॉश करना इतना ही जरूरी है जैसे आप मेकअप करने से पहले अपने मुंह को धो लेते हैं। चाहे आपने पूरा दिन मुंह धोया है नहीं धोया, लेकिन अगर आप मेकअप करने लगे हैं तो आपने जरूर कहना कि मैं एक दफा मुंह धो लूं ताकि मेकअप अच्छा सा हो, प्यारा सा हो। तो यही हिसाब आपके बालों के लिए भी है। आप चाहे घर में कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं या सैलून जा रहे हैं तो घर से वॉश करके जाएं फ्रेशली। और अगर आपने घर में ही कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो अपने बालों को पहले लाजमी धोएं। एक दो दिन पहले नहीं धोने आपने, उसी दिन धोने हैं जिस दिन आपने हेयर स्टाइल बनवाना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे आपने मुंह धोया तो आपने दो तीन दिन पहले का मुंह धोया तो अब आप कह रहे हैं भाई चलो जी मैं मेकअप करवा लेती हूँ, आप जल्दी से धो के आ जाते हैं। तो इसी तरह आपने स्टेप नंबर वन यानी कि हेयर वॉश के स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। अब चलते हैं स्टेप नंबर टू जो कि है कंडीशनर। कंडीशनर क्या करता है, हमारे बालों की आउटर मोस्ट लेयर को लॉक कर देता है। जैसे आप फेशियल करते हैं तो आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, फिर आप उनको बंद करने के लिए आइसिंग वगैरह करते हैं। इसी तरह आपने जब शैम्पू करना है तो आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं जिनको लॉक करना बहुत जरूरी है। और वो कौन करता है, लॉक कंडीशनर करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं या स्ट्रेट हैं, आपके बालों में ज्यादा देर तक कर्ल नहीं स्टे करते, तो आपने कंडीशनर के स्टेप को स्किप कर देना है। कंडीशनर का एप्लीकेशन भी आपने गीले बालों पे करना है। इसके अलावा ये आपके बालों में शाइन देता है, आपके बालों को स्मूथ कर देता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर थ्री की तरफ। स्टेप नंबर थ्री है सीरम का। सीरम क्या करता है, हमारे बालों को फ्रीज फ्री करता है, हमारे बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे हमारे बाल प्रोटेक्ट रहते हैं। सीरम का एप्लीकेशन भी आपने गीले बालों पे करना है। सीरम डिफरेंट टाइप्स के आते हैं मार्केट में, आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप डेली रूटीन में कोई भी सीरम लगा रहे हैं तो आपने हेयर स्टाइलिंग से पहले वो सीरम लगाना है जो फ्रीज को कंट्रोल करता हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्री स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप्स का बता रही हूँ कि स्टेप्स आपने कौन कौन से फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर फोर पे मूव करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको पता है क्या करना है, आपने कर लिया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं स्टेप नंबर फोर की तरफ जो कि है हीट प्रोटेक्ट एंड स्प्रे का। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये आपके बालों को हीट से बचाता है। अब ऐसा नहीं है कि 100% ही बचा देता है, लेकिन आपको पता है कि हेयर स्टाइलिंग में काफी ज्यादा हीटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो आपने हीट प्रोटेक्ट एंड स्प्रे लाजमी अप्लाई करना है। ये भी आपके बालों के ऊपर लेयर बना देता है जिससे आपके बाल डैमेज तो होते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल डैमेज नहीं होते, लेकिन थोड़े कम डैमेज होते हैं, थोड़े से कम। ये छोटी छोटी जो प्रिकॉशंस है ना, ये भी छोटा छोटा काम है इनका, लेकिन ये मिलके बहुत बड़ी बन जाती है। तो आपने छोटी छोटी प्रिकॉशंस को लाजमी फॉलो करना है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे जो स्टेप नंबर फाइव है। स्टेप नंबर फाइव है मूस का या फिर ब्लो आउट जेल का। ये स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है। वो इसलिए कि अगर आपने अपने बालों को कोई ऐसा हेयर स्टाइल देना है जिसमें आपने अपने बालों को कर्ल करना है तो आप मूस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई करना है तो आप ब्लो आउट जेल यूज कर सकते हैं।
इसी तरह इसके डिफरेंट वेरिएशंस है। लेकिन अगर आपने बालों को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देना है, चाहे आप बालों में कोई कर्ल नहीं भी कर रहे, तो फिर भी आप थोड़ी सी मूव्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रेट करने से पहले लगाया ना, तो आपके बालों में स्ट्रेटनिंग इफेक्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर आपके बाल 2-3 घंटे तक स्ट्रेट रहते हैं और उसके बाद दोबारा से खुल जाते हैं, तो आप अगर मूव्स की एप्लीकेशन करेंगे, आपके बाल डबल ट्रिपल आवर्स तक स्ट्रेट रहेंगे। इसके अलावा ये आपके बालों को एक्स्ट्रा होल्ड भी देता है और एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी देता है। मूव्स भी आपने गीले बालों पर ही अप्लाई करनी है। अगर आप अपने बालों में कोई हेयर बन वगैरह बना रहे हैं, तो आप इस मूव्स के स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगला स्टेप है ब्लो ड्राई का या ब्लास्ट ड्राई का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपने बालों को कर्ल या स्ट्रेट करना है, तो आपने ब्लास्ट ड्राई करना है। ब्लास्ट ड्राई मतलब फिंगर ड्राई। एक हाथ से आपने ड्रायर पकड़ना है और हवा चलाते जाना है, और दूसरे हाथ से आपने फिंगर्स अंदर से मूव करते जाना है। ये होता है ब्लास्ट ड्राई, या इसको फिंगर ड्राई भी आप सिंपली कह सकते हैं। और ब्लो ड्राई अगर आपने एडवांस हेयर स्टाइल बनाना है या ब्राइडल हेयर डू बनाना है, तो उसके लिए आपने ब्लो ड्राई की प्रॉपर टेक्निक होती है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो इन दोनों में से आपने कोई एक करना है, ये डिपेंड करता है हेयर स्टाइलिंग पे। ब्लो ड्राई का काम क्या होता है कि आपके हैवी बालों को लाइट वेट करता है। जो ब्लैक कलर के ओरिजिन हेयर होते हैं, ओरिजिन हेयर ये वर्जन हेयर है, यानी कि जिनके बालों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो उनके बाल ज्यादा हैवी होते हैं। जिनके बालों में कोई ट्रीटमेंट हुआ होता है, वो लाइट वेट बाल होते हैं। ब्लो ड्राई का काम क्या होता है कि आपके बालों को लाइट वेट कर देता है, आपके बाल मैनेजेबल हो जाते हैं, आपके बालों से क्रीज वगैरह को खत्म कर देता है। उसके बाद हेयर प्रेप का हमारा लास्ट स्टेप है क्रिम्पिंग का। क्रिम्पिंग से क्या होता है, आपके बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है। क्रिम्पिंग किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने से पहले बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपके बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आता है, एक्स्ट्रा होल्ड मिलता है आपके बालों को। कुछ लोगों के बाल इतने पतले होते हैं, तो जब वो हेयर स्टाइलिंग के लिए अपने बालों को प्रिपेयर करके ब्लो ड्राई करते हैं, तो उनके बाल और भी ज्यादा पतले लगना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, अपने बालों में क्रिम्पिंग लाजमी करनी है। इससे क्या होगा कि उनका जो वॉल्यूम है ना, वो 3% ज्यादा हो जाएगा, उनके बाल डबल ट्रिपल नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्रिम्पिंग से आपके बालों में वॉल्यूम आता है। अब हम बात करेंगे हेयर प्रेप प्रोडक्ट्स पे। हेयर प्रेप प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपने गीले बालों पे लगानी होती है किसी भी हेयर स्टाइलिंग से पहले। अब हम स्टेप वाइज देखेंगे कि सबसे पहले वॉश की प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर कंडीशनर की, और इसी तरह हम सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम वॉश की प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि हेयर वॉशिंग में आपने कौन से शैम्पूस यूज करने हैं। हेयर शैम्पू का टॉपिक इतना ज्यादा लंबा है कि इसको मैं इस छोटे से टॉपिक में कवर नहीं कर सकती। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हर टेक्सचर के हिसाब से शैम्पू भी अलग है, और कुछ लोगों के लिए तो शैम्पू है ही नहीं है, जैसे कर्ली बाल हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक शैम्पू रिकमेंड नहीं कर सकती। जिन लोगों के कलर ट्रीटेड हेयर है, जिनकी कुछ लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है, कुछ की नॉर्मल, कुछ की ड्राई, कुछ लोगों ने अपने बालों को कलर करवाया होता है, कुछ लोगों के कर्ली बाल होते हैं, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, तो आपको मैं कोई भी स्पेसिफिक शैम्पू रिकमेंड नहीं कर सकती। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आपने सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और फास्फेट फ्री शैम्पूस यूज करने हैं। शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत खतरनाक है अगर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं। ये बात आपको हर किसी ने समझा दी है, मुझे पता है, लेकिन आपने बस सुन ली है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन अब आपने क्या करना है, इस बात को अपने पल्लू से बांध देना। किधर गया मेरा पल्लू? मेरा तो पल्लू नहीं। इस बात को आपने अपने पल्लू से बांध लेना, जो भी पल्लू आपके पास है उसके अंदर बांध लेना। एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल देनी, दोनों कानों से सुनना है, उसको अंदर बंद कर देना। जैसे आपको कोई बात बुरी लगती है ना, आप उसको अपने दिल में बंद कर लेते हैं, इसने मुझे ये कहा, क्यों कहा, इसका मैं बताऊंगी। इसी तरह आपने अपने अपने पास ये बात अपने दिल में रखनी है, और खाली दिल में नहीं रखनी, उस पर अमल भी करना है। हर शैम्पू को मार्केट में जाके ना उठा उठा के देखें, ये सल्फेट फ्री है, ये फॉस्फेट फ्री है। आजकल तो बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी कि सल्फेट फ्री शैम्पू कहाँ से ढूंढे भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आजकल ये काम बहुत आसान हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, मेरी वीडियो का इंतजार करें। उसके बाद बात आती है कंडीशनर की। कंडीशनर भी आपने वो यूज करना है सल्फेट और फॉस्फेट फ्री। कॉमनली ऐसा होता है कि जिन ब्रांड्स ने शैम्पूज बनाए हैं, उन्हीं ब्रांड्स ने कंडीशनर भी उसके साथ ही बनाया होता है। तो अगर आप एक ही ब्रांड का शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो उसी ब्रांड का आप कंडीशनर यूज करें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, एज कम्पेयर टू कि आप शैम्पू किसी और ब्रांड का यूज कर रहे हैं और कंडीशनर किसी और ब्रांड का। उसके बाद अगला स्टेप है सीरम का। सीरम आपने कौन सा यूज करना है जो फ्रीज को कंट्रोल करता हो। एंटी फ्रीज सीरम जिसके ऊपर लिखा होगा, वो वाला सीरम आपने लेना। वो सीरम नहीं यूज करना हेयर स्टाइलिंग से पहले, जो आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं। डेली रूटीन वाला सीरम और होता है, हेयर स्टाइलिंग वाला सीरम और होता है। तो मैं जो सीरम यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शैम्पू और कंडीशनर मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करते हैं और शमसा ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करती है। और मैं क्या यूज करती हूँ, मैं कर्ली गर्ल मेथड CGM रूटीन फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं शैम्पू लगाती ही नहीं हूँ, ठीक है। वो वैसे काफी लंबा टॉपिक है कर्ली गर्ल वाला, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने बैठी तो वीडियो
वो लंबी हो जाएगी। फिर मैं आपको कौन सा रिकमेंड कर सकती हूँ, एक ब्यूटी फाई बाय आमना का है, जो हेयर स्टाइलिंग से पहले आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एंटी फ्रीज है। जो सीरम मैं यूज करती हूँ वो ये है लॉरियल का। ये लॉरियल का यूज करती हूँ। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सीरम नहीं है, ये तो ऑयल है, क्योंकि ये 6 एसेंशियल ऑयल से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑयल को भी एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं, जैसे आप मोरक्कन ऑयल को यूज कर सकते हैं और ऑर्गन ऑयल को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि वो भी फ्रिज को कंट्रोल करते हैं हेयर स्टाइलिंग से पहले। ये मुझे थोड़ी देरी हुई है यूज करते, लेकिन इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये मुझे 100 ml की बॉटल 1619 रुपए में मिली थी। इसके अलावा आप 30 ml की भी बॉटल ऑर्डर कर सकते हैं, जो आई थिंक 500 के अंदर आपको ये 30 ml की बॉटल मिल जाएगी। और अगर आप 100 ml लेना चाहते हैं तो वो आपको 2000 के नीचे नीचे मिल जाएगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, आई रिकमेंड दिस टोटली। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे पे। हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे आपको मैंने काम बता दिया वो क्या करती है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये ट्रेसमी का, ट्रेसमी का हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करती हूँ। वैसे तो हीट प्रोटेक्टिंग क्रीम्स भी आती हैं और हीट प्रोटेक्टिंग सीरम्स भी आते हैं। अगर आपका सीरम ऐसा है जिसके अंदर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ऑलरेडी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कितने की मिली थी? ये मैंने इम्तियाज मॉल से ली थी। ये भी तकरीबन 1600-1700 के दरमियान में मिली थी मुझे। ठीक है, और ये भी कितने ml की है? 236 ml की बॉटल है ये। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपके बाल ऐसे होंगे तो फिर ये वाला हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है और ऐसे होंगे तो ये वाला। ये सारे हेयर के लिए एक जैसा होता है, तो आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है मूज का। मूज वैसे तो नोवा की भी बहुत अच्छी है, मैंने यूज की है, वो भी काफी रिजनेबल है। और उसके बाद आजकल जो मैं यूज कर रही हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, वो है ट्रेस्मी की। तो मैं ये वाला ट्रेस्मी का मूज यूज करती हूँ। मूज होता क्या है आपको ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि ये जैसे सरफ की जाग होती है ना, फोम वाली, ये फोम टाइप का होता है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको अच्छे से हाथों पे रब करने के बाद अपने बालों पे लगा देना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना। 1-2 इंच बाल छोड़ने के बाद 2 इंच बाल आपने छोड़ देने हैं, उसके बाद आपने सारे बालों को नीचे लगा देना। ये मैंने कितने की ली थी? ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, 700-800 के दरमियान में। आप किसी भी ऑनलाइन शॉप से ले सकते हैं, या अगर आपको नहीं मिल रही तो आप किसी भी ब्रांड की मूज यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि है ब्लो ड्रायर। ये मैं यूज करती हूँ रेमिंगटन का। ठीक है, और आपने ऐसा ड्रायर लेना है, ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा ड्रायर लेना है जिसकी जो पावर है वो 2500 से ऊपर ऊपर हो। ये आप दे सकते हैं 5000 वाट का। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये तो हो गया ब्लो ड्रायर। इसके साथ साथ आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, जो होते हैं ब्लो ड्राई ब्रशेस। ब्रशेस जो मैं यूज करती हूँ वो है सेलोन डिजाइनर के ब्रशेस। ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे और डिफरेंट क्वालिटीज में भी आते हैं। जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जाहिर बात है वो चीज ज्यादा महंगी होती है, लेकिन ऐसा हर दफा नहीं होता, लेकिन ब्रशेस में ऐसा है। तो आपने अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस यूज करने हैं, क्योंकि ये आप जिंदगी में एक दफा ही लेते हैं और ये आपके सारी जिंदगी ही चलते हैं, ये कौन से खराब होने होते हैं। तो आपने इसके ऊपर अच्छा इन्वेस्ट कर लेना एक ही दफा। ब्रशेस आपने वो लेने होते हैं जिसके जो ये जो इनर डायमीटर है ना, ये जो राउंडू है ना पूरा, ये सिरामिक कोटेड हो, और जो ब्रिस्टल्स हैं भाई ये नायलॉन के होने चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के इसलिए आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी हेयर स्टाइलिंग के लिए इसको यूज कर रहे हो। सारे साइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स आते हैं। तो ये आपको मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो तब आप इनको डिटेल से देख लेना। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला स्टेप है क्रिम्पर का। क्रिम्पर आपने वो वाला लेना है जिसकी प्लेट्स ये जो होती है ना, इसके दरमियान में जो लगी है, जैसे स्ट्रेटनर की प्लेट्स होती हैं, ये बारीक हो। मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था, पिक्चर में तो ऐसे ही लग रहा था कि इसकी प्लेट्स बारीक है, लेकिन इसकी प्लेट्स जो है वो थोड़ी मोटी हैं। आपने इस तरह की प्लेट्स वाला लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई एक क्रिम्पर रिकमेंड करने की बात करूँ, मैंने ऑलरेडी हेयर की काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती हूँ, तो ओल्ड क्रिम्पर खरीदने के मेरी जेब में पैसे नहीं थे, अपने घर से बाहर निकाल देना था अगर मैं और कहती कि मैंने ये भी लेना। मेरी तरह ये बेवकूफों वाला काम आपने नहीं करना। ठीक है, और अब भी थोड़ी देर के लिए मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी वीडियो फुल ऑफ नॉलेज है, हेयर नॉलेज। तो अगर आपको ढेर सारा हेयर नॉलेज चाहिए तो आपने मेरे कमेंट्स को ढेर सारे लव से भर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।